भारत पाकिस्तान वच्चेना युद्धमां भारत ने मळेली ऐतिहासिक जीतने 50 वर्ष पूर्ण थता देशभरमां स्वर्णिम विजय वर्षनी उजवणी कराई रही छे। जेनी उपलक्ष्यमां वडाप्रधान मोदी द्वारा देशना 4 अलग अलग भागोमां विजय मिशाल रेली ने प्रस्थान अपायुं छे। जे रेली द्वारका थई भूज खाते आवी पहोंचता मुंद्रा रोड बीएसएफ केम्पस खाते गार्ड ऑफ ऑनर आपवामां आव्युं हतुं। आथी 50 वर्ष पूर्वे वर्ष 1971 भारत अने पाकिस्तान वच्चे युद्ध थयुं हतुं। તે યુદ્ધના ભારતનો વિજય થયો હતો, જેના ઉપલક્ષમાં દેશભરમાં સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। જે સમયે કચ્છની સરહદ પર યુદ્ધનો જંગ ખેલાયો હતો, આ યુદ્ધમાં જીત માટે કચ્છનો પણ અગ્રીમ ફાળો રહ્યો છે। ભુજમાં મુંદ્રા રોડ ખાતે આવેલ બીએસએફ ચોકી ખાતે આ વિજય મશાલ પ્રસ્થાપિત કરાઈ હતી। પૂરા આદર સન્માન અને ગાર્ડ ઓફ ઓનર સાથે વિજય મશાલને આવકારવામાં આવી હતી। અહીં તે વિજય મશાલ કચ્છ સરહદ પર ધર્મશાળા ચોકી અને સરદાર પોસ્ટ પર જશે। જે મહત્વની બાબત એ છે કે કચ્છમાં દેશની અંતિમ સરહદ આવેલી છે। કચ્છ સરહદની સામે પાર પાકિસ્તાન આવેલું છે, જેથી સરહદ પર બીએસએફ, ઇન્ડિયન આર્મી, નેવી, કોસ્ટગાર્ડ, સીએસએફ ના જવાનો એલર્ટ રહેતા હોય છે। ત્યારે વિજય મશાલ સરહદ પર જઈ જવાનોના હોસલાને બુલંદ કરવાનું કામ કરશે। આ તકે યુદ્ધની લડાઈમાં ભાગ લેનાર નિવૃત્ત સૈનિક પણ હાજર રહ્યા હતા, જેઓનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। દેશની સરહદ પર જ્યાં સુધી સુરક્ષા એજન્સીઓનો ચુસ્ત ચહેરો છે, ત્યાં સુધી દેશવાસીઓને ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી। अब मैं सर जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, खास करके क्या संदेश देगा आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के जो सेना है, बीएसएफ है, उन्होंने 71 वार का जो लड़ाई हुआ था उसमें मिलकर लड़े थे, और उसी को गोल्डन जुबली को हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम अपने देशवासियों को ये बताना चाहेंगे कि हमारा सीमा बहुत सुरक्षित है, और अगर किसी दुश्मन देश ने दुस्साहस किया तो उसे उसके पहले से भी ज़्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। अब जो मसाले लिए है, उसका जो कार्यक्रम है, क्या संदेश होगा इससे? मैं यही लोगों को एक अपने सीमा सुरक्षा बल और हमारे एयरफोर्स, सेना, इन तीनों के लिए हम लोग ये बताना चाहेंगे कि हमारे तीनों फोर्स बहुत ही सक्षम है, और आप निश्चिंत से आप काम करें, आप सुरक्षित हैं। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम दिगंबर सोनू है। सर, खास करके बात करें 1971 के युद्ध में भी भाग लिया था, क्या कहेंगे, किस प्रकार की घटना घटी थी? अच्छा, देखिए 71 वार में हमारी बीएसएफ की 3 बटालियन थी, 1st, 2nd, 3rd, है ना। जिस 1st बटालियन के कमांडेंट थे कर्नल एस एन लिम्बे, इन्होंने
और सेकंड बटालियन के कमांडेंट थे एलबी काने, थ्री बी एन बटालियन के कमांडर थे बीसी पॉल, कर्नल बीसी पॉल। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के रेगुलर ट्रूप्स ने और रेंजर्स ने हमारे सरदार पोस्ट पे, विगाकोट पे बमबारमेंट स्टार्ट कर दिया 25 पाउंडर गन से। उस समय मैं बीआर बेल्ट के सामने कुतुब बेल्ट है वहाँ पे 2 सेक्शन के साथ में या सेक्शनलेस प्लेटून के साथ में एम्बूज में था। मेरे को टास्क दिया गया था कि सामने से कोई आपके तरफ एडवांस करता है तो आपने वेरी लाइट पिस्टल से हमको इशारा कर देना और आप अपना लोकेशन छोड़ के साइड में चले जाना, हम आरटी का बम्बारमेंट स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट बटालियन ने जाट तलाई को सुबह में 8 बजे कैप्चर किया। हमारे कमांडेंट का उनका प्लानिंग क्या, उन्होंने क्या किया, हर गाड़ियों का साइलेंसर निकाल दिया जिससे गाड़ियों का आवाज़ टैंक जैसा आवाज़ आने लगा। तो इससे जाट तलाई वाले कुछ तो पीछे टिब्बे, हमारा इलाका प्लेन में है, उनका टिब्बे में सेंड्यून्स के ऊपर है, तो वो क्या हुआ, पीछे जो थे वो भाग गए। तो सुबह 8 बजे जाट तलाई को कैप्चर किया। उसमें मैं 0.84 पे था और फिर मैं भी जाट तलाई चला गया और वहाँ पे उसी इलाके में रहा। तो जाट तलाई का मेरे पास में इलाका था जाट तलाई सावन कोई सारो। तो मैं सुबह से लेके शाम तक वहाँ अपने प्लेटून के साथ में रहता था। शाम को मेरे को दूसरे प्लेटून वाले एक विष्णु ही थे मेरे फ्रेंड, वो मेरे को रिलीव करते थे। तो ऐसे जब तक एरिया हैंड ओवर होने के बाद में हम वापस इंडिया में आ गए। ये